वेलकम बैक टू माय चैनल ट्वीनीज फन वर्ल्ड। अब सबको पता ही है कि कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है और दिवाली के लिए अपने घरों को सजाने के लिए आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर DIYs। और ये सारे DIYs घर को सजाने के लिए काम तो आएंगे ही, बट साथ साथ हमने ये सारे DIYs ऐसे मटेरियल से बनाया है जो कि आपको आसानी से कहीं भी मिल सकता है। और हमने इसको बनाया है CD से, कार्डबोर्ड से और सारे वेस्ट मटेरियल से। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने DIYs की तरफ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ये तो एकदम फ्री है। और जब हम बना रहे हैं DIYs तो हमें पैसे खर्चने की तो ज़रूरत ही नहीं। तो अब हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा दिया होल्डर, जिसको हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ CD को यूज़ करके। इसके लिए आपको कोई भी MDF बोर्ड या किसी की भी ज़रूरत नहीं और कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इसको बनाने वाले हैं बहुत ही कम खर्च में और दिखेगा तो एकदम वाओ। तो हमारे DIY को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बेकार सी CD, और हमें तो बहुत सारी CD अपने बुक के पीछे ही मिल जाती हैं। फिर इसके बाद एक ढक्कन की मदद से मैं पेंसिल यूज़ करके एक रफ स्केच बना लूँगी कि हमारे डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो जब भी आपको कोई CD बेकार लगे तो उसको फेंकिएगा मत, उससे हम बहुत ही सुंदर सा DIY करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है एक वाइट कोट। एंड यहाँ पे आप डिज़ाइन अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे एक फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाया है। और अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं क्ले का। तो आपको क्ले ले लेना है और उसको रोल करते जाना है, एंड फिर ग्लू लगाने के बाद उसको हमारे डिज़ाइन पे स्टिक कर देना है। और इसको बनाते वक्त तो आपको लगेगा कि आप लेपन आर्ट ही बना रहे हैं, बट इसको हम बना रहे हैं एक CD पर। फिर दिवाली के बाद सवाल उठता है कि इन DIYs का हम क्या करें। तो आप इनके पीछे डबल साइडेड टेप लगा सकते हैं और इनको दीवार पर स्टिक करके वॉल डेकोर बना सकते हैं। तो हुआ ना एक तीर से दो निशाने, हमारे दिवाली के लिए भी DIY भी बन गया और साथ ही साथ घर भी सज गया। और इसी तरह हम अपना पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। और मैं जब भी दिवाली के बारे में सोचती हूँ मेरे मन में तो बहुत सारी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, कि जब हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाया करते थे, और जब चक्री जलाते थे तब हम चप्पल पहन के उसके ऊपर कूदा करते थे, और मुझे तो इन सब में बड़ा मज़ा आता था। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि साक्षी ने एक हाथ में बम लिया हुआ था और फिर उसको फेंकना ही भूल गए, वो हाथ में ही फट गया। पर शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ और उसका हाथ भी नहीं जला। और हमारे जो गली के बच्चे हुआ करते थे वो तो टोपी के नीचे अपने बम फोड़ा करते थे, और जब भी बम फटता तो उनकी टोपी भी उड़ जाती थी। और ऐसे कई किस्से कहानियां हम सभी के साथ हुए होंगे। और अब हम करने वाले हैं अपने DIY में पेंटिंग। तो आपको जो भी कलर्स अच्छे लगते हैं आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डार्क एंड थोड़ा ब्राइट कलर का थीम रखा है। यहाँ पे अगर आप एक्रेलिक कलर्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसकी कवरेज बहुत ही अच्छी आती है एंड बाद में वो शाइनी भी दिखता है। तो लीजिए हमारी पेंटिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब चलिए इसको थोड़ा सजाते हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अलग अलग साइज एंड शेप्स के मिरर, जो कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारे लगेंगे। एंड रियली गाइस, इन सारे DIYs को बनाना इतना भी आसान नहीं। जो चीज़ें ऐसे चुटकियों में हो जाती है उसको बनाने में टाइम लगता है बहुत। एंड रियली इन शीशों को लगाने के बाद तो हमारे DIY में तो चार चांद लग गए हैं और इसका लुक ही एकदम बदल गया है। और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही छोटा सा एक काम करना है, कि जस्ट आपको हमारे सब्सक्राइब का बटन दबाना है और उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा देना है, ताकि हमारी जो भी सारी नई वीडियोस आएंगी उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। एंड रियली गाइस, हमारी ये लॉन्ग वीडियो तो कभी भी एक दिन में कंप्लीट नहीं होती। हमें इसको बनाने में 4-5 दिन लग जाते। हमें शॉर्ट्स के लिए अगर वीडियो बनानी तो हम उसको एक दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं, बट लॉन्ग के लिए तो वो पूरा घर भर हम यहाँ पे घूमते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ, और कभी कभी DIYs को सूखने के लिए या फिर पेंट करके ड्राई होने के लिए भी टाइम लगता है, तो उसको छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद शूट करने के बाद तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। एंड इवन ऐसा भी होता है कि किसी DIY को अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं तो आप उसको बहुत जल्दी बना लेंगे, बट अगर हमें शूट करना है तो उसको बनाते बनाते तो बहुत देर हो जाती है। और लीजिए बातों बातों में ही हमारा दिया होल्डर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको डेकोरेट करते हैं। एंड जब भी आप इसको अपने साइड टेबल या फिर फ्रंट टेबल पे लगाएंगे तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसके ऊपर मैंने रखा है छोटे छोटे मटकी वाले दिए, जो कि इसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से मैच कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक।
रहा है झरोखा का, तो हम ना बनाएं ऐसा हो कैसे सकता है। तो आज दिवाली के इस मौके पे हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर से झरोखे। और आपने पुराने ज़माने में तो देखे होंगे ना, ऐसे झरोखा बने होते थे और लड़कियाँ ऐसे बाहर से झाँकती थी, तो हमारे पास भी ऐसा झरोखा तो होना ही चाहिए। तो चलिए बनाते हैं अपना खुद का झरोखा, वो भी DIY करके। तो ले लीजिए अपने पुराने साथी को जो कि है हमारा वेस्ट कार्डबोर्ड, और इसके ऊपर हम बनाने वाले हैं एक झरोखा का डिज़ाइन। मैंने तो यहाँ पे एक सिंपल सा डिज़ाइन लिया है, आप चाहे तो नेट पे से कोई और भी अच्छा डिज़ाइन ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे और इसके अंदर की जो साइड है उसको हम निकाल लेंगे, और अगर आप छोटे हैं तो अपने बड़ों की मदद से इसको काट सकते हैं। और लीजिए हमारा कटआउट तो बनकर तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ एक वाइट पुट्टी का कोट जो कि इसको बहुत ही हार्ड और स्टडी बना देगा। और अगर आप व्हाइट पुट्टी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप व्हाइट पेंट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि इसको बहुत ही अच्छा बेस दे देगा। एंड नाउ इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे, और अब हम करने वाले हैं अपना फेवरेट काम पेंट। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्लू कलर, क्योंकि मुझे ये वाला कलर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और झरोखा जब इस कलर का होगा तो वो और भी प्यारा लगेगा। और हाँ, यहाँ पे पेंट करने में कंजूसी मत करिएगा, इसको अच्छी तरह से डार्क पेंट करिएगा, नहीं तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। और अब उठा लीजिए अपना पतला वाला पेंट ब्रश, और इसके ऊपर हम करने वाले हैं एक वाइट कलर का बॉर्डर। एंड मैंने तो अपने पिछले DIY में पेंट करने के बाद अपने पेंट ब्रश को धोया ही नहीं, और अब वो एकदम झाड़ू जैसा हो गया और पेंट भी बहुत ही रफली कर रहा है। एंड मैंने तो यहाँ पे व्हाइट कलर यूज़ किया है, आप चाहे तो गोल्डन कलर भी ले सकते हैं, वो भी इसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। बॉर्डर की कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ पे एक डबल लाइनिंग भी करेंगे, और मेरा ब्रश ऐसे मोटा मोटा लाइनिंग करने लगा, तो आप थिन वाला ब्रश लीजिएगा ताकि आपकी अच्छी वाली लाइनिंग आए। एंड वैसे जब भी हम किसी वर्कशॉप पे जाते हैं, वहाँ पे हम कोई भी ट्रेडिशनल आर्टवर्क देखते हैं, तो उसको देख के हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि इसको बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर जब आप उसको धीरे धीरे बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत ही आसान है। और मैंने तो कई लोगों की शिकायतें सुनी है कि हमें अच्छी तरह से पेंटिंग नहीं आती, या फिर हम जो बनाते हैं वो अच्छा नहीं होता है। पर अगर आप इसको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका भी इसमें हाथ बैठ जाएगा, और आप जो चीज़ें बनाएंगे वो भी बहुत बढ़िया बनेंगी, क्योंकि हमने भी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करके ही सीखा है। और जब मैं इसको पेंट करी थी तो इसने तो बहुत मोटा मोटा पेंट कर दिया, फिर मुझे लगा कि मेरा कार्डबोर्ड तो गया और सब कुछ एकदम बेकार हो गया, पर धीरे धीरे करने पर देखिए ये चीज़ें सुधर गई और अच्छी दिखने लगी। तो आपको भी इन चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर देखिए आपकी चीज़ें कितनी बढ़िया बनेंगी। नाउ अब हम लगाने वाले हैं अपने झरोखा में मिरर। तो आपको जो भी शेप के मिरर अच्छे लगते हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे स्क्वायर मिरर लगाए हैं। और आपको पता है इतने सारे DIYs बनाते बनाते तो मेरे मिरर्स ही खत्म हो गए, तो मैंने सारे झरोखा को अलग अलग मिरर से डिज़ाइन किया है। वैसे नॉर्मली लोग एक ही डिज़ाइन रखते हैं सारे झरोखा में, पर हमारे पास मिरर ही नहीं बचे तो सोचा इनको थोड़ा अलग बनाते हैं। और लीजिए हमारा झरोखा बनकर तैयार हो गया है, और इस पूरे DIY में हमने बहुत ही मिनिमल चीज़ें यूज़ की, और जब आप इसको दिवाली पर अपने घरों में सजाएंगे तो ये आपके घर की रौनक ही बढ़ा देगा। तो चलिए देखते हैं लगने के बाद कितने सुंदर लगते हैं। गई थी मार्केट, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे जुबलाब के स्टिकर्स देखे, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहे थे और वो मेरे टाइप के तो नहीं थे, और हम सिंपल चीज़ें एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा जुबलाब, और वो भी अपने तरीके से बहुत सारे सुंदर DIYs को यूज़ करके। सबसे पहले हम लेंगे एक कार्डबोर्ड, और इसके ऊपर मैंने 7x7 का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है, एंड फिर इसको हम कट कर लेंगे। फिर इसके बाद जैसे हमने बाकी सारे DIYs में किया था, इसको एक वाइट कोट दे देंगे। और आप भी सोच रहे होंगे कि हर बार हम ये व्हाइट कोट क्यों दे रहे हैं, ताकि हमारे जो भी सारे कलर्स हैं वो एकदम निखर के बाहर आए। फिर इसके बॉर्डर में हम करेंगे ऑरेंज कलर, और इसके सेंटर में हम करेंगे येलो कलर, और ऐसे ही आप इसको पूरा मर्ज करके कलर कर दीजिए। कंप्लीट हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बहुत ही सुंदर सी लेस जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, एंड आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है आप वो वाली ले सकते हैं। एंड फिर इसके साइज के अकॉर्डिंग इसको नाप लीजिए, और इसको स्टिक करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। एंड अगर आपको लेस वाला शुभलाभ बनाना है तो आप स्क्वायर शेप लीजिए, वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। एंड अगर आपको सर्कल वाला बनाना है तो आप उसके ऊपर स्टोन चिपका सकते हैं। और लीजिए सेम प्रोसेस की मदद से हमने इसके चारों साइड को अच्छी तरह से कवर कर दिया है।
और लेस लगाने की बात तो ये अभी से ही बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पे यूज करी हूँ रेड कलर का एक्रेलिक कलर और उसके ऊपर हम छोटे छोटे से सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम स्टोन्स भी लगा सकते थे बट हमारी लेस बहुत शाइनी है तो वो उसके अंदर दिखती नहीं, तो हमने यहाँ पे पेंट ही कर दिया है। और हाँ गाइज, अगर आप हमारी DIYs को रिक्रिएट करते हैं तो हमें मेंशन करना मत भूलिएगा ताकि हमें भी तो पता चले कि आपने कैसा बनाया है। और लीजिए, इसके डॉट्स तो कंप्लीट हो गए हैं एंड अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये शुभ लव वाले स्टिकर्स जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे एंड फिर इसको हम इसके सेंटर में लगा देंगे। इसकी जगह पे आप चाहे तो पेंट करके लिख भी सकते हैं बट ये इसके ऊपर ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं गोटा पट्टी वाला पेन व्हील और इसके अंदर जो सिलाई की हुई है हम इसको कट कर देंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं एक मस्त वाला जुगाड़। तो इसको खोल लेने के बाद आपको इसके एंड पे एक ग्लू गन लगाना है एंड उसको अंदर से ऐसे कर्व कर देना है, इसको कोन का शेप देना है, तो आपको उसकी डबल लेयरिंग वाला एक कोन मिल जाएगा। और इसको हम यूज़ करने वाले हैं एज अ लटकन की तरह। और अगर आपके पास ये पिन व्हील नहीं है तो आप पॉम्पॉम बॉल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर से नीडल को पास करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 5 गोल्डन बीड्स को। और देखिए, इस प्रोसेस को फॉलो करते करते आपने घर बैठे ही बहुत ही सुंदर सा DIY डेकोर बना लिया है। और जब आप इन शुभ लाभ को अपने फ्रंट डोर पे लगाएंगे तो लोग इन्हीं को देखेंगे। फिर हमारे लटकन का जो बचा हुआ धागा है उसको आपको ग्लू गन की मदद से स्टिक कर देना है और उसके ऊपर हम लगा देंगे एक कार्डबोर्ड का पीस। और मुझे तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, लाइक इसके कलर्स और इसका सब कुछ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बना है। और लीजिए, हमारे शुभ लाभ वाले हैंगिंग्स बनकर तैयार हो गए हैं। और इनको स्टिक करने के लिए बस आपको इसके पीछे डबल साइडेड टेप लगा देना है। लास्ट DIY होने वाला है दिवाली से थोड़ा हट के, लाइक आप इसको अपने रेगुलर बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं एंड इसको हम डेकोरेट करने वाले हैं अपने साइड टेबल पे, लाइक ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और साथ ही साथ आप इसको अपने स्टडी टेबल पे भी डेकोरेट कर सकते हैं एंड इसको बनाना तो बहुत ज्यादा आसान है। तो चलिए पढ़ते हैं उसको। तो इस DIY को बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ पुरानी सेजवान की बॉटल और उसको मैंने अच्छी तरह से धोकर क्लीन कर लिया है। एंड नाउ एक बाउल के अंदर हम लेंगे येलो पेंट और उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर इसको हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारा जो येलो कलर है वो पूरा इस बॉटल में लग जाए। और आप चाहे तो इसकी जगह पे ग्लिटर भी यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा शाइनी और बहुत सुंदर लगेगा। एंड नाउ एक ब्लैक मार्कर को यूज करके हम इसके ऊपर ट्विंकल वाली फेली बना देंगे और कुछ स्टार्स बना देंगे। और लीजिए, चुटकियों में हमारा लैम्प बनकर तैयार हो गया। एंड इस DIY को बनाकर आप अपने स्टडी टेबल को भी डेकोरेट कर सकते हैं। एंड लास्टली इसके ऊपर हमने टाई कर दिया है जूट रोप। आपको हमारी सारी DIYs बहुत अच्छे लगे हो एंड अगर आपको हमारी DIYs अच्छे लगे हैं तो फटाफट से इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं दबाया है तो फटाफट से दबा दीजिए ताकि हमारी सारी न्यू वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा।